बिहार के कटिहार में एक शिक्षक द्वारा स्कूल की शिक्षिका के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। शिक्षिका एक प्राइवेट स्कूल किंडरगार्टन नवोदया में बच्चों को पढ़ाती है। शिक्षिका ने स्कूल के प्राचार्य रमेश चंद्र कौशल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्राचार्य उनके साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार किया करता था, जिससे तंग आकर शिक्षिका ने इसकी शिकायत छात्र नेताओं से की। छात्र नेताओं ने पहले प्राचार्य को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में मामला उग्र हो गया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। पब्लिक इंग्लिश स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसका बिहेवियर बहुत गंदा है। वो एक के साथ नहीं सबके साथ वो फ्लर्ट करता है और मेरे साथ भी कुछ हुआ ऐसा ही किया जिसके लिए हम आज यहाँ पे हैं और आवाज उठा रहे हैं। कितना दिन से आपका स्कूल में? एक साल। कितना एज है प्रिंसिपल जिसके पास? 75 प्लस होगा। क्या मतलब किस तरह कुछ जैसे कि बात करते करते किसी के भी सीने पे हाथ रख के बोलेंगे हार्ट ओपन करके बात कीजिए। हार्ट ओपन करके बात करने का मतलब क्या होता है? हम अपना शरीर का कपड़ा खोल के आपसे बात करें क्या? वो बात करते करते शरीर पे जहाँ मन तहाँ हाथ रख देते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ भी मतलब बहुत सारा ऐसा उसका ये है जो वो करते हैं और डायरेक्टली वो सीने पे हाथ रख के बोलते हैं। वहीं आरोपी प्राचार्य भी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। चीज है, बोली है या जो भी आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। वो लड़की करती क्या थी कि स्कूल में सारे बच्चों के सामने जो है मैंने पढ़ाना या लिखने को छोड़कर वो पढ़ाया मोबाइल पे अपने लवर से गप करते रहती थी। बच्चों ने हमें कंप्लेन दिया, कुछ शिक्षकों ने कंप्लेन दिया, जिसके कारण से हिदायत दी गई। उसके पहले उसको स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकालने के बाद वो हमें मोबाइल पे जो है माफी मांग के जो है मैसेज भेजी। हाँ, फिर उसको हम 10 दिन के बाद बुलाए। बुलाने के बाद उसको बोले ऐसी गलती फिर मत करना, तुम लड़की हो, इज्जत सबसे बड़ी प्यारी होती है, तुम मेरी भी बेटी है, तुम मेरी बेटी के समान हो। हाँ, ये कहकर हम उसको रखे 3 दिन वो मात्र काम की और 3 दिन में हमको फिर लिख के एक पत्र दी है कि उसमें लिखी है सॉरी सर, नहीं पढ़ना, तो एक लेटर लिख के हमको दी है जिसको कारण हम उसको स्कूल से निकाल दिए हैं। निकालने के कारण वो हमको मैंने धमकी भरा मोबाइल पे भेजी है कि हम 10 दिन में तुमको। घटना के बाद महिला शिक्षिका ने महिला थाने में प्राचार्य रमेश चंद्र के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।